OBS Studio, How to Record PC Screen in Windows 11। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं Windows 11 में। सबसे पहले दिखाना चाहूंगा मेरे लैपटॉप में, आप देख लीजिए मेरे लैपटॉप में Windows 11 डला हुआ है। चलिए दिखाना चाहूंगा आपको, देखिए एडिशनल विंडो 11 प्रो। अब दोस्तों बताना चाहूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो मेरे में क्रोम ब्राउजर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद सिंपल आपको ध्यान दीजिए यहाँ पे सर्च करना होगा OBS Studio, OBS Studio। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने OBS की ऑफिशियल वेबसाइट पहले नंबर पर देखने को मिलती है वाली, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपका लैपटॉप कंप्यूटर अगर एप्पल वगैरह का है तो उस पर अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर विंडो है सिंपल आपको ना ये विंडो 11 की बता रहा हूँ, तो आपको विंडो पे क्लिक कर देना होता है और क्लिक करने के बाद 10 सेकंड वेट कीजिएगा, ये यहाँ पे नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए पुश कर देता हूँ। मेरे लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड भी है और इंस्टॉल भी है, तो पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ध्यान दीजिए आपके डेस्कटॉप पे होता क्या है, एक मिनट इसे बंद कर देते हैं अपन, ये बंद कर देते हैं। आपके डेस्कटॉप पे ऐसा वाला आइकॉन देखने को मिलेगा OBS स्टूडियो का, ब्लैक वाला, आपको सिंपल इसको ओपन कर लेना है। वो ओपन करेंगे तो कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ध्यान दीजिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे की साइड में अपने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक आपको ऐड का ऑप्शन देखने को मिलता है, प्लस का आइकॉन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं, चलिए मैं नाम देता हूँ XYZ, ये नाम देने के बाद ओके कर दीजिएगा। अब आप दोस्तों ध्यान दीजिए ये XYZ वाली अपना जो बन गया है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है, इस पर लिखा है सोर्सेस, देख सकते हैं ये स्क्रीन है और ये सोर्सेस है। ठीक है दोस्तों, आपको अब करना क्या है, यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे नीचे एक प्लस का आइकॉन है, यहाँ पे लिखा है ऐड, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले कैप्चर, ये वाला देख सकते हैं ये वाला, सिंपल आपको डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करना है। जब डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक कर देते हैं यहाँ भी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, डेस्कटॉप वगैरह कुछ भी आपको लिखना लिख दीजिएगा। चलिए एग्जांपल लिख देता हूँ मैं XYZ, ये मैंने नाम डाल दिया और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर 2 कर देते हैं और ओके क्लिक करिएगा, तो आप देख पाएंगे आपकी डिस्प्ले यहाँ पे आ चुकी है। देखिए देखिए अब जो आप देख पा रहे हैं ऐसा देखने को देखने लगा आपके लिए, मतलब आप इस पर क्लिक करना है तो आपकी डिस्प्ले है वो आपको है ना सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिलने लगी है। अब उसमें ध्यान दीजिए अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग के साथ में अपनी वॉइस भी कैप्चर करना चाहते हैं तो वो करना क्या होगा, सिंपल यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्लस का आइकॉन, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे लिया हुआ एक ऑप्शन जिस पर लिखा आप देख सकते हैं ऑडियो इनपुट कैप्चर, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ कोई भी नाम दे देना है, चलिए लिख दो माइक, मैं लिख दिया माइक, अब ओके पे क्लिक कीजिएगा और ऑप्शन ऐसा आएगा, इसको कर दीजिएगा यहाँ पे जो भी आपका माइक्रोफोन लगा हो उस पर क्लिक कर दीजिएगा या डिफॉल्ट रन दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा जो है वो अपना है रियल टाइप का, उसको ओके कर दिया है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए सिंपल अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ये वाला, आप देख पाएंगे ये वाला जिस पे लिखा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इसको क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको इस विंडो को यहाँ से मिनिमाइज करना होगा। अब आप देख पाएंगे डेस्कटॉप पे ऐसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं माय कंप्यूटर खोलता हूँ और ये पूरा दिखा रहा हूँ मैं, अब जो भी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ सभी मेरी वॉइस के साथ रिकॉर्ड हो रहा है और मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है मेरे माइक के माध्यम से। चलिए एग्जांपल के लिए इतना ही अपन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। अब इसको खोलिएगा फिर से मिनिमाइज जो अपना खोलिएगा एप्लीकेशन को OBS को और यहाँ से आपको स्टॉप पर क्लिक कर देना है। जब स्टॉप पर क्लिक कर देंगे तो आप देखिए आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव हो चुकी है, इसमें टाइम नहीं लगता है, इसको क्लोज कर दीजिएगा। आपको करना क्या है रिकॉर्डिंग देखने के लिए, सिंपल आपको आना है दिस पीसी में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है वीडियो का, ये वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये टाइम के साथ यहाँ देख सकते हैं 7:17, तो आप देख पाएंगे 7:16 पे रिकॉर्डिंग हुई थी मेरी चालू, टाइम लिखा आ चुका है, मतलब कि मेरी ये रिकॉर्डिंग है। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ कि मेरी जो डिस्प्ले कैप्चर वो हुई है नहीं हुई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हुई है नहीं हुई है, देखिए मैं कहता हूँ इसको देखिए। क्लिक करने के बाद आपको इस विंडो को यहाँ से मिनिमाइज करना होगा। अब आप देख पाएंगे डेस्कटॉप पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं माय कंप्यूटर खोलता हूँ और ये पूरा दिखा रहा हूँ मैं, अब जो भी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ सभी मेरी वॉइस के साथ रिकॉर्ड हो रहा है और मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है, वेरी सिंपल इजी स्टेप, वो काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, आपको उसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या जैसे मैंने प्रोसेस बताई हुई है आप वैसे भी उसको फॉलो करके अपनी विंडो 11 की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।